हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज भूपेंद्र कुमार साहू। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री और स्टीरियो आइसोमर। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिले। स्टीरियो केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आते हैं नीट में, 4-4 मार्क्स के। तो सबसे पहले मैं आइसोमर एक्सप्लेन कर देना चाहूंगा। आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऐसा स्पीसीज जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, सेम होता है, बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज शो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आइसोमर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर। सो वी विल डिस्कस अबाउट स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर में जाने से पहले मैं स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में स्टडी कर लेते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में जैसे हम मॉलिक्यूल जनरली जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो 2D रिप्रेजेंटेशन में होते हैं, 2D रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं मेथेन का स्ट्रक्चर बनाता हूं तो मेथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर देता है, ये CH4। लेकिन इसका ये 2D रिप्रेजेंटेशन है, 2D है। इसका मैं 3D बनाऊंगा तो ये कैसा दिखेगा, तो आप देखिए, ये आपका कार्बन हो गया, कार्बन ब्लैक वाला कार्बन हो गया, बाकी जो सराउंडिंग में जो एटम है वो व्हाइट वाले जो है क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर आप इस व्हाइट बोर्ड को प्लेन लीजिए, ये व्हाइट बोर्ड आपका प्लेन है। सपोज मैं क्या किया, इस व्हाइट बोर्ड को मैं क्या कर दिया, व्हाइट बोर्ड आपका प्लेन है। उससे पहले कार्बन की वैलेंसी पे चलते हैं हम लोग। तो कार्बन के वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4। तो 4 हाइड्रोजन शेयर करके क्या बनाया, CH4 का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। इट मीन्स देयर आर 4 बॉन्ड्स, कार्बन में कितने बॉन्ड्स है, 4 बॉन्ड्स है। तो इसको जब हम 3D में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये, ठीक है। तो इसके जो 2 बॉन्ड्स होते हैं वो किस में होते हैं, ऑन द प्लेन होते हैं, इसको हम क्या करते हैं, नॉर्मल लाइन से शो करते हैं। और 1 बॉन्ड जो होता है वो ऑब्जर्वर की होता है, ऑब्जर्वर मीन्स आप बोल सकते हो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, प्रेक्षक की ओर होता है, जो देखने वाला होता है, ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्व करने वाला होता है, ऑब्जर्वर की ओर होता है। और जो एनदर बॉन्ड होता है, सेकंड बॉन्ड होता है, वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है, क्लियर। तो आपको क्या करना है, ये व्हाइट बोर्ड को प्लेन लेना है। सपोज मैंने इसको, ये व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड को मैं उठा दिया। इस व्हाइट बोर्ड को उठाने से ये यहां पर मैं रख रहा हूं, देखो इस कार्बन के बीच में रख रहा हूं, तो कार्बन के बीच में रख रहा हूं, तो व्हाइट बोर्ड को प्लेन लिया हूं, तो ये 2 बॉन्ड किस में जाएंगे, प्लेन में जा रहे हैं। तो जो प्लेन में रहता है उसको हम नॉर्मल लाइन से शो करते हैं। नाउ अब ये वाला बॉन्ड देखिए आप, ये बॉन्ड जो है आपकी तरफ है, ये टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, तो इसको हम सॉलिड लाइन से शो करेंगे। और ये जो सेकंड बॉन्ड है ये जस्ट क्या है, प्लेन के जस्ट बैक में है, तो ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर दिखाऊंगा मैं, क्लियर। तो बॉन्ड कैसे दिखेगा आपको, ये इस टाइप का, ये सॉलिड लाइन है और ये आपका अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, क्लियर। ये 4 हाइड्रोजन, ये इसका क्या है, 3D रिप्रेजेंटेशन है, 3D रिप्रेजेंटेशन है, क्लियर। तो जो नॉर्मल लाइन जो होता है वो ऑन द प्लेन होता है, ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है। नॉर्मल लाइन किसमें होगा, ऑन द प्लेन, और इसको बोलते हैं सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन जो है क्या होता है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है, ये क्या होता है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, क्लियर। और ब्रोकन लाइन जो है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है, ब्रोकन लाइन जो है क्या होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, फ्रॉम द ऑब्जर्वर। एंड सॉलिड लाइन क्या होता है, सॉलिड लाइन जो है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है, क्लियर, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो ये मेथेन का क्या है, 3D रिप्रेजेंटेशन है और ये 2D रिप्रेजेंटेशन है, क्लियर। अब आपको ये देखना है कि यहां ये जो है क्या कहलाता है, सराउंडिंग एटम है, क्लियर, और सेंट्रल क्या है, ये कार्बन है। तो आप यहां पर सपोज मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, यहां पर सपोज मैं लेता हूं CH3Cl, क्लियर। तो CH3Cl का जब मैं 3D रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा तो मैं क्या कर सकता हूं, या तो Cl को टूवर्ड जी ऑब्जर्वर कर सकता हूं 1 टाइम में, ठीक है, एंड सेकंड टाइम में मैं क्या कर सकता हूं, सेकंड टाइम में Cl को अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर कर सकता हूं मैं, ये Cl अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर हो गया। एंड थर्ड में हम क्या कर सकते हैं, थर्ड में हम क्या कर सकते हैं, इसको ऑन दी प्लेन कर सकते हैं, ये क्लियर, यहां पर Cl हो जाएगा, ये ऑन दी प्लेन हो जाएगा। तो अब हमको ये देखना है कि अभी तो फिलहाल इसमें क्या है, CH3Cl है, मतलब ये क्या है, मिथाइल क्लोराइड है, तो इसमें असिमेट्रिक सेंटर है नहीं, तो असिमेट्रिक सेंटर नहीं है, तो क्लोरीन को आप कोई सा भी आप पोजीशन में रख सकते हो, आप टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर रख सकते हो, या अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर रख सकते हो, या तो आप ऑन दी प्लेन में रख सकते हो, क्लियर। तो
रिप्रेजेंटेशन जो है वो फोर टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वेज डैश। तो वेज डैश में आपको अभी जस्ट मैं 3D रिप्रेजेंटेशन में आपको मीथेन का बताया था, ये रियल में ये वेज डैश रिप्रेजेंटेशन ही कहलाता है ये, ठीक है। तो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन तो हमने स्टडी कर लिया वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में वन कार्बन है, तो यहाँ पास क्या हो रहा है, वन कार्बन है तो कार्बन तो आपका ऑलवेज प्लेन में ही रहेगा। कार्बन किस में रहेगा, प्लेन में रहेगा, क्योंकि मैंने ये बॉन्ड को आपको दिखाया था कि ये व्हाइट बोर्ड हो गया, ये व्हाइट बोर्ड को मैं उठा कर रखा, तो देखोगे इन कितने बॉन्ड्स प्लेन में आ रहे हैं, 1 2 3, 2 व्हाइट बॉन्ड आ रहा है एंड 1 क्या आ रहा है, ब्लैक बॉन्ड, ये किस में आ रहा है, प्लेन में आ रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होगा तो किस में प्रेजेंट होगा, तो चलिए ये भी चेक करते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन शुड लाई ऑन दी प्लेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है, शुड लाई ऑन दी प्लेन, क्लियर। तो ये आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो गया ना। ये हाइड्रोजन क्या दिख रहा है आपको, डाउन, तो ये क्या हो जाएगा अप, ये डाउन, क्योंकि इस कार्बन के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन क्या है, डाउन, अगेन इस कार्बन के रिस्पेक्ट में है, ये कार्बन क्या है, डाउन, अप, डाउन, अप एंड डाउन। इफ कार्बन इज अप, रिमेनिंग टू बॉन्ड भी क्या है, यहां पर अप है, क्लियर। इफ कार्बन इज डाउन, रिमेनिंग टू बॉन्ड विल बी क्या हो जाएगा, डाउन। कार्बन इज अप, रिमेनिंग टू बॉन्ड विल बी अप। कार्बन इज डाउन एंड रिमेनिंग टू बॉन्ड विल बी डाउन। तो ये आपका क्या कहलाता है, जिगजैग नोटेशन है, ये क्या है, जिगजैग। तो ये जो कार्बन है सेंटर कॉर्नर कॉर्नर सेंटर सेंटर में जो कार्बन है वो किस में प्रेजेंट होगा, प्लेन में प्रेजेंट होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन शुड लाई ऑन दी प्लेन, तब हम इसको एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ये वेज डैश रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है, क्लियर। नाउ चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं तो उसे आपका क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम, ब्यूटेन 2,3 डायोड, क्लियर। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, CH3CHOH एंड ये CH3, क्लियर। नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4, 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट एंड 2 एंड थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ये आपका OH ग्रुप है, OH का सफिक्स क्या लगता है, ऑल, तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेन 2,3 डाईऑल, क्लियर। सेकंड नेम क्या लिख सकते हो आप, 2,3, इसका प्रीफिक्स लगाते हैं हम लोग डाईहाइड्रोक्सी, क्लियर, हाइड्रोक्सी लगाते हैं, OH का प्रीफिक्स क्या लगता है, हाइड्रोक्सी, तो 2 है तो क्या हो जाएगा, डाई 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन, 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन। तो यहां से अब हमको क्या करना है, इसको 3D में शो करना है, क्लियर। तो नंबर ऑफ कार्बन कितना दिख रहा है आपको, 1, 2, 3 को, तो 4 कार्बन बना दो, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 हो गया, नंबरिंग कर दो इसको, 1, 2, 3, 4। मैंने आपको क्या बताया था, अब देखो ये वाला बॉन्ड क्या है, डाउन है, तो ये आपका डाउन हो गया, क्लियर। ये क्या है, अप, अगेन डाउन, और ये आपका क्या, तो अभी जिगजैग नोटेशन में मैंने आपको बताया था कि इफ कार्बन इज अप, रिमेनिंग टू बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, अप होगा ये, तो यहाँ कार्बन अप है तो रिमेनिंग टू बॉन्ड विल बी क्या है, अप है, एंड कार्बन डाउन, रिमेनिंग टू बॉन्ड विल बी डाउन। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहां से जो टू एंड सेकंड एंड थर्ड पोजीशन में जो OH ग्रुप है, वन टाइम में हम क्या कर सकते हैं, दोनों OH ग्रुप को, बोथ OH ग्रुप को हम क्या कर सकते हैं, सेम साइड में कर सकते हैं, क्लियर। तो ये देखो ये दो बॉन्ड्स क्या है, अप अप है, क्लियर। तो अप अप के लिए हम क्या यूज करेंगे, सीन, यदि दोनों OH ग्रुप सेम साइड होगा या कोई भी ग्रुप सेम साइड होगा तो उसके लिए हमको क्या यूज करना है, सीन, एंड कोई भी में एक डिफरेंट हो जाएगा तो ये क्या है, टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर है, सेकंड क्या है, अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर है, वन सॉलिड होगा, सेकंड क्या हो जाएगा, ब्रोकन होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एंटी। तो ये जो नॉर्मल फेजर है उससे पहले हम यूज करेंगे सीन एंटी, क्लियर। तो वेज डैश रिप्रेजेंटेशन यदि आपको दिया है, दो सेम ग्रुप दिया है, तो आप उसमें आप यूज कर सकते हो सीन एंटी रिप्रेजेंटेशन, क्लियर। तो एक आपका बनाएगा सीन ब्यूटेन 2,3 डाईऑल या 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन, एंड सेकंड आपका बनाएगा एंटी 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लियर। देखो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 है, तो टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर में क्या है आपका, सीएल है, और सीएल किधर दिख रहा है, टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, इट मींस ये क्या है, फ्रंट है, आप इसको बोल सकते हो फ्रंट, और ये क्या है, अप है, अप, क्लियर। सिमिलरली ये बैक फ्रंट, ये जस्ट क्या है, व्हाइट बोर्ड के जस्ट पीछे, तो ये आप बैक दिखा सकते हो, एंड ये भी क्या है आपका, ये बैक, क्लियर। नाउ ये आपका राइट है, राइट में दिख रहा है, और ये आपका क्या है, लेफ्ट में। तो चलिए मैं इसको ऑब्जर्व करा दे रहा हूं, तो यहां पर देखो ये जो आपका बॉन्ड है, ये आपका जो क्या है, ये आपका जो बॉन्ड है, सपोज ये आपका येलो वाला येलो कलर जो है, येलो जो एलिमेंट्स है वो आपका सीएल हो गया, तो सीएल जो क्या है, टुवर्ड्स जो ऑब्जर्वर है, फ्रंट दिख रहा है आपको। अब इसके बीच में आप क्या करोगे, व्हाइट बोर्ड रखोगे, क्लियर।
तो ये जो है बैक होगा और ये राइट है, ये राइट और ये क्या है लेफ्ट है, तो ये भी एग्जाम्पल हो गया। नाउ नेक्स्ट अब हम आते हैं एक और एग्जाम्पल, सपोज ये आपको ऐसा दे दिया एग्जाम में, ये ऐसा दे दिया एच ओ एच, तो आप इसको और डिफाइन नहीं कर पाओगे। वाय? बिकॉज दोनों जो है बॉन्ड, क्योंकि हम दोनों हम लोगों ने जो स्टडी किया है, क्या स्टडी किया है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, लेकिन यहां पर जो बॉन्ड दिख रहा है वो आप डिफाइन नहीं कर सकते, ओ एच में भी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, एच में भी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, क्लियर, तो वी कैन नॉट डिफाइन, इस टाइप का आपको दिया रहेगा तो आप डिफाइन नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डिफाइन, वी कांट डिफाइन, क्लियर। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन होता है, सेकेंड रिप्रेजेंटेशन है सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो वाई के फॉर्म में होते हैं, क्लियर। तो ये आपका ये कौन सा वाई दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं इरेक्ट वाई, इरेक्ट वाई, इट मीन्स आप बोल सकते हो सीधा वाई, क्लियर। और सेकेंड जो वाई होगा वो इन्वर्टेड वाई होगा, इसको हम क्या बोलते हैं इन्वर्टेड वाई, क्लियर। जब दोनों को हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन बनता है, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, फोर कॉम्बिनेशन बनेंगे, कैसे देखो, यहां से ये फर्स्ट हो गया और ये आपको क्या हो जाएगा, ये भी वाई होगा, क्लियर। आपको डाउन से देखना है, ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, तो आपको नीचे से देखना है, आपको डाउन से देखना है, डाउन वाला ऑलवेज क्या होगा, फर्स्ट कार्बन होगा, डाउन वाला ऑलवेज फर्स्ट कार्बन होगा, एंड ये क्या हो जाएगा सेकेंड कार्बन, तो बोथ कार्बन आर इरेक्ट फॉर्म, ठीक है, दोनों कार्बन जो है कौन से फॉर्म में है, इरेक्ट फॉर्म, तो ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन हुआ। सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या बनाओगे आप, फर्स्ट कार्बन को आप क्या करो इरेक्ट रखो, एंड सेकेंड कार्बन को आप क्या कर दो इन्वर्ट कर दो आप, क्लियर। तो ये आपका सेकेंड कॉम्बिनेशन है वन एंड टू, एंड थर्ड कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट कार्बन इन्वर्ट करेंगे एंड सेकेंड कार्बन क्या करेंगे इरेक्ट करेंगे, ये आपका क्या होगा थर्ड कॉम्बिनेशन, एंड फोर्थ कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, बोथ कार्बन आर इन्वर्टेड फॉर्म, दोनों कार्बन जो है इन्वर्टेड फॉर्म में होंगे, तो फोर कॉम्बिनेशन होगा इसके वन टू। और कार्बन कैसे चेक करना है हमको, डाउन वाला ऑलवेज क्या होगा फर्स्ट कार्बन, एंड अप वाला ऑलवेज क्या हो जाएगा सेकेंड कार्बन, तो ये आपका क्या हो जाएगा सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन, क्लियर। अब यहां से आप यहां पर क्या करोगे आप, जैसे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, C2H6 क्या होता है, इथेन होता है C2H6, ये एग्जाम्पल आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, C2H6 क्या होता है, इथेन होता है, ये कहां से एल्केन से है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2, n इज इक्वल टू हमने क्या पुट किया है 2 के लिए क्या होता है इथ, ठीक है, तो 2 पुट करोगे तो ये आएगा C2H6, इसको मैं क्या लिख सकता हूं CH3, इसका जरूर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, क्लियर, ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, एक्सटेंडेड फॉर्म में कर लेते हैं हम लोग, ये क्या है कंडेंस्ड फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म, ये ठीक है। अब यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 है, नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो आप फर्स्ट कार्बन दे दीजिए इसको 1 और इसको आप दे दीजिए सेकंड, क्लियर। तो अभी हमने क्या कंफर्मेशन पढ़ा है, सॉहर्स पढ़ा ना हमने, तो क्या करते हैं, चलो फर्स्ट कार्बन हम ले लेते हैं, बोथ कार्बन आर इरेक्ट वायर, मैंने आपको क्या बताया था डाउन से आपको चलना है, डाउन वाला फर्स्ट कार्बन होगा एंड अप वाला क्या हो जाएगा सेकंड कार्बन, वन कार्बन में कितना हाइड्रोजन है 3 पुट कर दो आप, 1 2 3, एंड सेकंड में भी कितना है 3, तो यहां पर एक्चुअली में क्या है कि ये जो आपका जो फर्स्ट वाला कार्बन का जो वाय है इसके जस्ट पीछे में क्या है सेकंड वाय है, सेकंड कार्बन जो है वाय के फॉर्म में है, मतलब ये किसके फॉर्म में दिख रहा है, ये एक्चुअली में इस फॉर्म में दिख रहा है, ये एक्चुअली में इस फॉर्म में आपको दिख रहा है, ये इसके फॉर्म में दिख रहा है, चलो मैं आपको मॉडल से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है, ये देखो ये फर्स्ट कार्बन है, यहां आपका क्या है ये फर्स्ट कार्बन है, ये जो है ये वाला पोर्शन जो है फर्स्ट कार्बन, देखो फर्स्ट कार्बन देखो y के फॉर्म में दिख रहा है आपको, ये y कौन सा y इरेक्ट y, इस जस्ट कार्बन के बैक में क्या है सेकंड कार्बन है, वो भी कौन से फॉर्म में दिख रहा है y के फॉर्म में है, क्लियर। जब फर्स्ट कार्बन के जस्ट बैक में सेकंड कार्बन वो भी y के फॉर्म में, देखो इरेक्ट बोथ आर इरेक्ट, जब दोनों कार्बन इरेक्ट फॉर्म में होगा जिसको हम क्या बोलते हैं इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन, ये क्या कहलाता है इक्लिप्स्ड, ये क्या कहलाता है इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। अब क्या करो आप फर्स्ट और सेकंड किसी को भी आप चेंज कर सकते हो, चलिए फर्स्ट को मैंने क्या कर दिया इन्वर्ट कर दिया एंड सेकंड कार्बन को मैं क्या कर रहा हूं इरेक्ट के फॉर्म में रख रहा हूं मैं, तो ये
फर्स्ट कार्बन क्या है, इन्वर्ट, अब इन्वर्ट कर दो यहां से, ये देखो ये इन्वर्ट हो गया, फर्स्ट वाला इन्वर्ट, इन्वर्ट हुआ है, एंड ये सेकंड वाला क्या है, इरेक्ट हुआ है, तो ये क्या कहलाता है, स्टैगर्ड कंफर्मेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड कंफर्मेशन। ये जो है मैं कंफर्मेशनल एनालिसिस में स्टडी कराऊंगा आपको, तो सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन भी क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, सॉहर्स, वन सॉहर्स से अनदर सॉहर्स में कन्वर्जन कैसे करते हैं, तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ वन सॉहर्स इनटू अनदर सॉहर्स, इसमें हमको कुछ केस स्टडी करना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस फर्स्ट है रोटेशन बाई 120 डिग्री। तो रोटेशन में जाने से पहले मैं आपको कन्फर्मेशन मैं आपको बताना चाहूंगा। तो एल्केन में क्या होता है, बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, तो जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इस टाइप का आपको दिखेगा एल्केन, ये इथेन का स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या होगा, जब बिटवीन कार्बन कार्बन के बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा तो ये सिग्मा बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा। तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको रोटेट कर सकते हो, सिंगल बॉन्ड क्या कर सकते हो आप, यहां से आप रोटेट कर सकते हो। अब आपको ये देखना है कि आप कितना डिग्री रोटेट कर सकते हो। आप तो यहाँ पर 120 डिग्री भी रोटेट कर सकते हो, 60 डिग्री रोटेट कर सकते हो आप, और 180 डिग्री रोटेट कर सकते हो। तो हम तीनों रोटेशन चेक करके हम आपको बताएंगे कि, और सराउंडिंग में हम अलग अलग ग्रुप पुट करके हम आपको बताएंगे कि कौन से रोटेशन में वायर जो है चेंज हो रहा है, इरेक्ट वायर इन्वर्ट वायर में कन्वर्ट हो रहा है या इन्वर्ट वायर इरेक्ट वायर में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं अभी इस पे आगे आऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कन्फर्मेशन किसको बोलते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है तो उसमें रोटेशन होता है, और इस रोटेशन को आप इनफाइनाइट टाइम तक कर सकते हो। तो यही प्रोसेस जो है क्या कहलाता है, कन्फर्मेशन कहलाता है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे जब हम आएंगे तो कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन हम स्टडी करेंगे। तो केस फर्स्ट आता है, तो अभी हम क्या स्टडी कर रहे हैं, वन सॉहर्स से अनदर सॉहर्स, वन सॉहर्स से अनदर सॉहर्स में रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट आपका आता है रोटेशन बाई 120 डिग्री, क्लियर। चलिए मैं ये फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन को मैं बाहर निकाल देता हूं मैं, ठीक है। तो ये चलिए मैं यहां से इसको आप बाहर निकाल दिया, तो क्या हो गया, बी आर एम ई, और ये आपका क्या है, एच, क्लियर। यहां से यहां का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, क्लियर। यहां से यहां का भी कितना होगा, 120 डिग्री, और यहां से यहां का कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो हमको क्या करना है, इसको 120 डिग्री रोटेट करना। ओवरऑल कितना हो गया, ये सराउंडिंग कितना हो गया, 360 हो गया, क्लियर। तो आप यहां से भी रोटेट कर सकते हो, 360 डिवाइडेड बाई क्या होता है, थीटा, थीटा कितना है आपका, 120 डिग्री, 120 डिग्री थीटा, तो कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 120, तो ये आपका जाएगा 3, ठीक है। तो यहां पर एंगल कितना हो गया, ये 3, तो यहां से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो 120 का मतलब क्या हो जाएगा, बी आर एम ई और एच, जब ये पोजिशन यहां आएगा और एम ई यहां आएगा और एच जो है बी आर के प्लेस पे जाएगा, तब हम कहेंगे कि इसमें 120 डिग्री रोटेशन हुआ है, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, 120 में आपको ऑब्जर्व करना है, मैंने आपको सॉहर्स में सिर्फ दो ही रिप्रेजेंटेशन, दो वाय बताया था, एक आपको बताया था इरेक्ट वाय और सेकेंड आपको क्या बताया था, इन्वर्टेड वाय। तो आपको सिर्फ क्या करना है, वाय चेक करना है कि कौन सा रोटेशन करने में इरेक्ट वाय जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इन्वर्टेड वायर में हो रहा है कि इरेक्ट का इरेक्ट में कन्वर्जन हो रहा है, तभी आपको क्लियर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वायर चेंज ना हो, क्लियर, वायर जो है चेंज हो रहा है या चेंज नहीं हो रहा है ये आपको ऑब्जर्व करना है। सब्स्टिट्यूएंट आपको समझ आ जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन आपको समझ आ रहा है। तो रोटेशन बाई 120 डिग्री एंड मैं इसको क्लॉकवाइज कर देता हूं, मैं क्लॉकवाइज, तो जब आप 120 डिग्री रोटेशन करोगे आप क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो क्या होगा, इसमें क्लॉकवाइज जब हम रोटेशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए मैं मॉडल से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप ध्यान से देखना, ठीक है। ये फर्स्ट कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, ये सेंटर वाला फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, मैं उसको बाहर निकाल दिया। ये देखो यहां से लेफ्ट में क्या है आपका, ब्रोमीन है, डाउन में क्या है, एच है, और राइट में क्या दिख रहा है आपका, एम, ये ब्लैक वाला क्या है, एमई, एमई में क्या होता है, कार्बन होता है, तो ये मिथाइल, एमई में क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, ये ब्रोमीन है, ये हाइड्रोजन है। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये ऐसा शिफ्ट होगा, क्लियर। तो आप देखो 120, यहां से यहां का बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री है, 120 120 120, ओवरऑल कितना हो जाएगा, 360। तो क्लॉकवाइज करो, चलो करते हैं, यहां से क्लॉकवाइज करूंगा, इट मींस ये वाला यहां आएगा, ठीक है, बी आर जो है एमई के प्लेस पे आएगा, एमई एच के प्लेस में जाएगा और एच जो है बी आर के प्लेस में जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, आप चलिए मैं इसको क्लॉकवाइज 60 डिग्री रोटेट कर रहा हूं, तो क्लॉकवाइज 60 डिग्री रोटेट करने से आप क्या चेक करोगे, आप वाई को चेक करोगे, देखो
बी आर के प्लेस पे क्या आ गया, ये ऐसा था, अब ये देखो यहाँ पास ऐसा हो गया, इट मीन्स एम ई के प्लेस पे बी आर आ गया, एच के प्लेस में एम ई आ गया और इसके प्लेस में क्या आ गया ये। अब नेचर ऑफ वाई देखो, पहले क्या था नेचर ऑफ वाई, इरेक्ट वाई था, जैसे ही मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेशन किया 120 डिग्री तो भी इरेक्ट वाई आ रहा है ना, तो नेचर ऑफ वाई चेंज नहीं हुआ, याद रखना। ओनली द पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ओनली द पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स विल बी चेंज, मतलब सब्स्टिट्यूएंट का पोजिशन ही क्या हुआ है यहाँ पास, चेंज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास वाई को आपको वाई रखना है, y को क्या करना है, y ही रखना है, क्योंकि 120 डिग्री में नेचर ऑफ y जो है चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन चेंज हुआ है। ME के प्लेस पे क्या है यहाँ पास ब्रोमी, और H के प्लेस में ME और इसके प्लेस में क्या है ये, तो ये इसका रोटेशन हो गया, क्लियर। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको एंटी क्लॉक रोटेट करते हैं, तो एंटी क्लॉक रोटेट कर दो आप, एंटी क्लॉक जब आप रोटेट करोगे तो देखो ये यहां आएगा, यहां मतलब ME कहां आएगा, लेफ्ट में आएगा, तो ME यहां, ठीक है, और बी आर क्या हो जाएगा डाउन में चला जाएगा और एच इधर चले जाएगा, तो नेचर ऑफ वाई भी बिल्कुल चेंज नहीं होगा, क्योंकि 120 डिग्री में नेचर ऑफ वाई जो है इरेक्ट वाई के फॉर्म में ही रहता है, इरेक्ट वाई के फॉर्म में ही रहता है, और यहां से आप लिख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री, ठीक है। तो आप क्या फर्स्ट केस फर्स्ट में हमको क्या समझ आया कि जब भी हम 100 हर्ट्ज का क्या करते हैं रोटेशन करते हैं, कितना 120 डिग्री रोटेशन करते हैं, तो नेचर ऑफ वाई चेंज नहीं होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा यहां से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, नेचर ऑफ वाई नो चेंज, नेचर ऑफ वाई नो चेंज, इरेक्ट वाई कन्वर्ट्स इनटू इरेक्ट वाई एंड इन्वर्टेड वाई कन्वर्ट्स इनटू इन्वर्टेड वाई, क्लियर, ये आपको ध्यान देना है। नाउ नेक्स्ट अब हम आते हैं केस सेकंड, रोटेशन बाय 60 डिग्री, केस सेकंड रोटेशन बाय 60 डिग्री, सेकंड केस है रोटेशन बाय 60 डिग्री एंड क्लॉकवाइज रोटेशन। तो अब आपको क्या करना है, इसको 60 डिग्री रोटेट करना है, तो एग्जांपल वही है आपका, ये फर्स्ट कार्बन हुआ, ये आपको क्या है सेकंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन को मैंने यहां से ऑब्जर्व किया है, निकाला गया है यहां से एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहां से यहां का बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री, तो इसका जस्ट हाफ क्या होगा 60 डिग्री, इट मीन्स ये आपका क्लॉकवाइज में यहां आएगा, ये आपका यहां आएगा और इसमें ये हो जाएगा यहां, इस तीनों को आप एक पॉइंट में मिला दो तो ये आपका क्या बन जाएगा इन्वर्टेड वाई बन जाएगा, देखो ध्यान से। और हमने क्या किया, इसको क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, तो क्लॉकवाइज जब हम रोटेशन कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या हो रहा है, बी आर किधर जा रहा है राइट साइड जा रहा है, तो बी आर अप चला गया, एम ई इधर, एम ई मीन्स मिथाइल एंड एच इधर आ जाएगा, तो 60 डिग्री रोटेशन में क्या हो गया है नेचर ऑफ वाई जो है चेंज हो गया, अभी कौन सा वाई दिख रहा है आपको इरेक्ट वाई, एंड नेक्स्ट में क्या होगा रोटेशन आफ्टर रोटेशन क्या हो गया ये चेंज हो गया कन्वर्ट हो गया इन्वर्टेड वाई में, तो आप क्या लिखोगे रोटेशन 60 डिग्री रोटेशन, 60 डिग्री रोटेशन नेचर ऑफ वाई विल चेंज, नेचर ऑफ वाई विल चेंज, इरेक्ट वाई कन्वर्ट्स इनटू इन्वर्टेड वाई एंड इन्वर्टेड वाई कन्वर्ट्स इनटू इरेक्ट एंड इन्वर्टेड वाई कन्वर्ट्स इनटू इरेक्ट वाई। नाउ नेक्स्ट अब हम आते हैं केस थर्ड, 120 रोटेशन देखा आपने, उसके बाद नेक्स्ट हमने 60 डिग्री रोटेशन देखा, अब नाउ नेक्स्ट अब आपका आता है 180 डिग्री रोटेशन, रोटेशन बाय 180 डिग्री रोटेशन, तो इसमें हम क्या करेंगे सपोज ये आपका है, ये एग्जांपल है, ठीक है, ये भी इरेक्ट वाई है, नाउ ये ब्रोमीन मिथाइल एंड एच, तो 180 डिग्री रोटेशन का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो एच अभी डाउन में है, जब 180 डिग्री यहां तक करूंगा मतलब ये अप आएगा, ठीक है, यहां से यहां का एंगल क्या हो जाएगा 180, अगेन मैं इसको रोटेट करूंगा तो क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, इट मीन्स यहां से आप बोल सकते हो कि ये बॉन्ड जो है ऊपर की ओर जाएगा, ये इधर आएगा एंड ये बॉन्ड इधर आएगा, इट मीन्स अब यहां से आप देख सकते हो आप कि एच जो है इधर ऊपर जाएगा, एम इधर और ये, नाउ देखो आप फिर अगेन देखो यहां पर इरेक्ट वाई से फिर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, तो ये इन्वर्ट वाई में कन्वर्जन हो रहा है ना, एच ऊपर आ गया, एम लेफ्ट एंड बी आर क्या आ जाएगा राइट, ये प्रोसेस जो है 180 डिग्री रोटेशन हम कराते हैं तो इस जो चेंजेस होता है उसको हम बोलते हैं डायगोनली चेंज, क्योंकि ये क्या हो रहा है डायगोनली चेंज हो रहा है, तो 180 डिग्री रोटेशन में ऑलवेज क्या हो जाएगा डायगोनली चेंज होगा, डायगोनली चेंज, क्लियर।
और ऑलवेज क्या होगा, इरेक्ट वाई इन्वर्टेड वाई में कन्वर्जन होगा एंड इन्वर्टेड वाई का इरेक्ट वाई में कन्वर्जन होगा। तो यहां पर इरेक्ट वाई 180 डिग्री में इन्वर्ट वाई में कन्वर्जन होगा एंड इन्वर्टेड वाई 180 डिग्री में इरेक्ट वाई में कन्वर्जन होगा। तो हमने इसका हम कंक्लूजन क्या निकला कि जब आप 180 डिग्री रोटेशन करते हो तो इरेक्ट वाई के फॉर्म में मिलेगा, 60 डिग्री में इरेक्ट वाई इन्वर्ट हो जाएगा एंड इन्वर्ट वाई इरेक्ट हो जाएगा एंड 180 डिग्री में अगेन इरेक्ट वाई इन्वर्टेड वाई हो जाएगा। इट मींस 120 डिग्री में नेचर ऑफ वाई चेंज नहीं होगा, 60 एंड 180 डिग्री में क्या होगा, नेचर ऑफ वाई जो है चेंज हो जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन, तीनों केस जो है हो गया है।